दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसकी सर्जरी करके उसका असली दिल निकाल लिया जाता है, जिसके बाद उसके शरीर में बिजली से चलने वाला एक दिल लगा दिया जाता है। अब वो आदमी अपने असली दिल को कैसे हासिल करता है, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। कहानी की शुरुआत में हम चेब नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाता है। यहीं पर हम देखते हैं कि चेब को उठाने के लिए इससे पहले पुलिस पहुंचती, कुछ लोग वहां पहुंचकर उसकी बॉडी को उठाकर यहां से ले जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि चेब अभी तक जिंदा था, लेकिन जहां पर था वो जगह उसके लिए अच्छी नहीं थी। और यहाँ देखने पर हमें पता चलता है कि कुछ चाइनीज अनप्रोफेशनल डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर रहे थे। यहीं पर हम जॉनी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि उसके कटे हुए सीने में उसके दिल पर जली हुई सिगरेट की राख डाल रहा था, और सिर्फ इतना ही नहीं वो वहाँ पर थूक भी देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डॉक्टर उसके असली दिल को निकाल कर उसके सीने में बिजली से चलने वाले एक दिल को फिट कर देते हैं, जिसके बाद हम कुछ हफ्तों बाद का टाइम देखते हैं जहाँ पर जब चेब को होश आ जाता है तब उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी से एक बैटरी भी अटैच है, जिसके बाद वो लोग उसके बाकी के बॉडी पार्ट्स को निकाल कर भी मार्केट में बेचने वाले थे। लेकिन चेब मौका पाकर इन लोगों को पीट कर यहाँ से जाने लगता है, और चेब को उस आदमी को ढूंढना था जिसके पास उसका असली दिल है। हम देखते हैं कि चेब एक एक आदमी को पीट कर उसका पता पूछ रहा था। यहीं पर हम देखते हैं कि चेब एक आदमी के अंदर पूरी की पूरी शॉर्ट गन ही घुसा देता है, जिसके बाद वो आदमी उसे जॉनी के बारे में बताता है, और जॉनी वही आदमी है जिसने चेब के दिल का सौदा किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि चेब अपने दोस्त माइल्स को कॉल करता है और उसे अपनी हालत के बारे में बताता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि माइल्स पेशे से एक डॉक्टर था और उसे आर्टिफिशियल हार्ट के बारे में सब कुछ पता था। माइल्स उसे बताता है कि उसके अंदर दो बैटरियां फिट हैं, एक पेट के बाहर और दूसरी पेट के अंदर। साथ ही वो उसे बताता है कि अगर बाहर वाली बैटरी खराब हो गई तो अंदर वाली सिर्फ एक घंटा ही चलेगी, तो इसीलिए उसे जिंदा रहने के लिए बाहर वाली बैटरी को समय समय पर चार्ज करते रहना होगा। जिसके बाद चेब को लगा कि कम से कम हेलीकॉप्टर से गिरने के बाद वो अभी तक जिंदा तो है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कार ड्राइव करते समय वो एक डिवाइडर से जाके टकरा जाता है। अब एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी बाहर वाली बैटरी खराब हो जाती है, जिसके बाद वो फिर से माइल्स को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसकी बाहर वाली बैटरी टूट गई है। ये सुनने के बाद माइल्स उसे समझाता है कि उसका दिल धड़कता रह सकता है ताकि अगर वो समय समय पर बिजली का शॉक लेता रहे। जिसके बाद चेब अपनी कार की बैटरी से खुद को शॉक देता है। अब वो शॉक लगने के बाद उसका दिल अच्छे से काम करने लगता है और वो पहले से भी अच्छा महसूस करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चेब उन लोगों के ठिकाने पर पहुंच जाता है और जॉनी के लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है, लेकिन जॉनी मौका पाकर वहां से भाग जाता है। यहीं पर हम देखते हैं कि चेब को यहां पर रिया नाम की एक चाइनीज लड़की मिलती है, और वो चेब के यहां आने पर बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि जॉनी के लोगों ने उसे बंदी बना के रखा हुआ था। वो चेब की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रही थी, लेकिन चेब उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था, और सिर्फ इतना ही नहीं वो रिया को खुद से दूर रहने को बोल रहा था। इसके बाद रिया उसे बताती है कि उसे पता है कि जॉनी कहां मिलेगा, जिसके बाद चेब जॉनी तक पहुंचने के लिए एक कार को लूटने की कोशिश करता है, लेकिन कार का ओनर उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिसके बाद चेब एक क्लब में आता है। यहीं पर हम देखते हैं कि जॉनी को भी कोई टॉर्चर कर रहा होता है, क्योंकि वो लोग गैंगस्टर थे और वो चेब को ढूंढ रहे थे। इधर चेब को उस बार में अपनी गर्लफ्रेंड ईव दिखाई देती है जो कि यहाँ पर एक स्ट्रीपर की जॉब कर रही थी। अब चेब उसे इस हालत में देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, और ईव भी चेब को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि चेब हेलीकॉप्टर से नीचे गिरकर मर गया है। अब चेब यहाँ पर भी काफी ज्यादा फाइट करता है, लेकिन उसे यहाँ पर भी कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद एक आदमी चेब को बताता है कि अल हरून नाम का एक आदमी उसे ढूंढ रहा है। अब वैसे तो चेब के काफी ज्यादा दुश्मन थे, लेकिन ये नाम उसने कभी नहीं सुना था। इसके बाद जब वो ईव के साथ बाहर आता है तब पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश करने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उससे उसकी पावर बढ़ जाएगी। अब शॉक लगने के बाद चेब उन सभी पुलिस वालों को मारकर यहाँ से भाग जाता है। यहीं पर हम चेब के साथ एक और लड़की देखते हैं जिसे जॉनी के बारे में पता होता है। वो चेब को बताती है कि जॉनी जरूर घोड़ों की रेस ट्रैक पर मिलेगा, क्योंकि जॉनी वहाँ पर सट्टेबाजी का काम करता है। अब रास्ते में कुछ पुलिस वाले चेब को देख लेते हैं। वो यहाँ से भाग तो रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी बैटरी कम हो रही थी। इसके बाद चेब एक गार्डन में पहुंच जाता है जहाँ पर दो लोगों ने अपने डॉग को करंट वाला पट्टा पहनाया हुआ था ताकि वो लोग अपने डॉग को शॉक देकर उसे काबू कर सकें। अब चेब उस डॉग के पट्टे को खुद के गले में पहन लेता है और उन लोगों से उसे बार बार शॉक देने को बोलता है जिससे कि वो चार्ज हो सके, लेकिन इतना करंट उसके लिए काफी नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन तभी एक आदमी उसे अपनी बाइक पर बैठा कर वहाँ से ले जाने लगता है। अब ये देख कर चेब को लगा था कि वो उसका दोस्त काइलो है जो कि अभी तक जिंदा है, लेकिन तभी वो उसे बताता है कि वो काइलो नहीं बल्कि उसका जुड़वा भाई बीनस है। अब इससे पहले चेब को समझ पाता तभी अचानक से बीनस को दौरे आने लगते हैं, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है।
अब क्योंकि असल में वीनस को कभी कभी ऐसे दौड़े आते थे। जिसके बाद वीनस चेव से कहता है कि उसे अपने भाई की मौत का बदला लेना है। ये सुनने के बाद चेव उससे कहता है कि इस सब की कोई जरूरत नहीं क्योंकि बहुत पहले ही मैंने उन लोगों को मार दिया है। जिसके बाद चेव देखता है कि घोड़ों की रेस ट्रैक उसके सामने ही है। वो अंदर जाता है और डॉक्टर माइल्स को कॉल करता है क्योंकि चेव की बैटरी फिर से खत्म होने वाली थी। अब कॉल पर ही माइल्स उसे बताता है कि उसे फ्रिक्शन से अपनी बैटरी को चार्ज करना होगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रिक्शन दो चीजों को आपस में घिसने से होता है। अब ये सुनने के बाद चार्ली वहाँ पर खड़े लोगों से खुद को घिस घिस कर खुद को चार्ज करने लगता है। यहीं पर जॉनी भी उसके सामने था लेकिन लो बैटरी होने की वजह से वो उस तक नहीं पहुँच पाता। तभी ईव देखती है कि चेव की हालत काफी ज्यादा खराब है और चार्ली को काफी ज्यादा फ्रिक्शन की भी जरूरत थी, जिसके लिए ये दोनों रेस ट्रैक पर ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं, जिससे चेव की बैटरी काफी अच्छे से चार्ज हो जाती है। अब इन दोनों की इस हरकत की वजह से पुलिस इन्हें अरेस्ट करने आती है लेकिन चेव जॉनी का पीछा करने लगता है। चेव उसका पीछा करता है क्योंकि उसके हाथ में जो बॉक्स था उसके अंदर उसका दिल था, लेकिन जॉनी उसे चकमा देकर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस चेव को गिरफ्तार करने आती है, लेकिन तभी डॉन किंग नाम का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर चेव को उन पुलिस वालों से बचा लेता है और थोड़ी आगे जाकर वीनस को कार से बाहर फेंक देता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि किम ने पहले भी उसकी मदद की थी लेकिन वो हर काम अपने फायदे से करता है और इस बार भी वो उसे अपने फायदे के लिए अल हरून को देने वाला था। यहाँ पर किम चेव को बताता है कि इस शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर की काफी समय से तबीयत खराब है क्योंकि उसकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा हो गई है और उन्हें किसी ऐसे आदमी की जरूरत थी जिसका दिल काफी ज्यादा मजबूत हो, और उन्हें इस काम के लिए चेव ही सबसे ज्यादा बेस्ट लगा क्योंकि पिछली बार उसके दिल ने किसी चाइनीज जहर को भी झेल लिया था। अब यहाँ पर चेव को लगने लगता है कि वो लोग उसे छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए चेव गाड़ी के अंदर ही इन सभी लोगों को मारकर यहाँ से भाग जाता है और जिस खंबे से उनकी कार टकराती है उसी खंबे से ही चेव अपनी बैटरी को भी चार्ज करता है। दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जो कि शुरुआत में जॉनी को टॉर्चर कर रहा था और यहाँ पर अल हरून उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था क्योंकि वो चेव को पकड़ने में नाकामयाब रहा था और पनिशमेंट के तौर पर वो उसे खुद के निप्पल काटने को कहता है और उसे ना चाहते हुए भी अपने निप्पल काटने पड़ते हैं। इधर हम ईव को देखते हैं जहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड उससे माफी मांग रहा था और वो चाहता था कि ईव उसके साथ चले, और जब वो बार बार ईव को अपने साथ चलने के लिए फोर्स करता है तो ईव उसे बहुत ही बुरी तरह से मारकर घायल कर देती है। अब ईव के रेस ट्रैक पर एम्प्टीमेट होने की वजह से वो काफी ज्यादा चर्चे में आ गई थी, जिसकी वजह से पुलिस उसे फिर से गिरफ्तार कर लेती है। इधर चेव फिर से अपने आप को चार्ज करता है और जॉनी की तलाश में निकल जाता है और इस बार जॉनी ठीक उसके सामने ही होता है, लेकिन तभी रिया उसे देख लेती है और उसे देखकर जोरों से चिल्लाती है। अब उसकी आवाज सुनकर जॉनी चौकन्ना हो जाता है और वहां से भागने लगता है। यहीं पर रिया सड़क पार करते हुए चेव की तरफ आ रही थी लेकिन रास्ते में एक कार उसे उड़ा देती है। अब वो जॉनी का पीछा करते करते एक बार चेव फिर से डाउन हो गया था और वो खुद को दोबारा से चार्ज करने के लिए एक एम्बुलेंस में घुस जाता है। अब वो चार्ज होने के बाद वो फिर से जॉनी का पीछा करता है लेकिन जॉनी इस बार एक पावर हाउस में घुस जाता है और यही जॉनी की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि यहाँ पर चेव को बिजली की कोई भी कमी नहीं थी। अब यहाँ पर चेव खुद को बहुत अच्छे से चार्ज करता है जिसके बाद वो जॉनी को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है। इसके बाद जब उस बॉक्स को वो खोलता है तब उसे पता चलता है कि उसके अंदर उसका दिल नहीं है। इसके बाद माइल्स चेव को कॉल करता है क्योंकि उसे अपने डॉक्टर के नेटवर्क से पता चला था कि कुछ हफ्ते पहले चेव के दिल को उस बूढ़े आदमी के अंदर लगा दिया गया है, लेकिन माइल्स उसे कहता है कि डरने की कोई बात नहीं क्योंकि उसने अपने लोगों को उसके पीछे लगा दिया है और वो लोग उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। इसके बाद हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसके अंदर चेव का दिल लगाया गया था और वो बूढ़ा आदमी अपनी हरकतों से एक बहुत ही बड़ा ठरकी था और वो यहाँ पर जिस लड़की से मिलने आया था वो डॉक्टर माइल्स से मिली हुई थी। इधर चेव जॉनी से पूछताछ कर ही रहा था कि वो आदमी जॉनी को गोली मार देता है, जिसके बाद वो लोग चेव को भी बेहोश करके यहाँ से ले जाते हैं। ले जाने के बाद वो लोग चेव को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते हैं, जिसके बाद जब चेव को होश आता है तो वो देखता है कि वो किसी प्राइवेट आइलैंड पर है और वो यहाँ पर पहली बार अल हरून को देखता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो रिचर्ड का भाई है जिसे उसने कुछ हफ्ते पहले ही मारा है, क्योंकि असल में वो उसे ही मारते मारते हेलीकॉप्टर से नीचे गिर गया था और उसे हमने मूवी की शुरुआत में गिरते हुए देखा था, और हमें पता चलता है कि अल हरून अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। यहीं पर हम देखते हैं कि उसने अपने भाई रिचर्ड के कटे हुए सर को अभी भी रखा हुआ था, फिर चाहे उसका शरीर खत्म हो गया था लेकिन उसका दिमाग अभी तक जिंदा था, और सिर्फ इतना ही नहीं वो सब कुछ देख और समझ भी सकता था। अब क्योंकि अल हरून का भाई चाहता था कि चैब उसकी आंखों के सामने ही मरे, जिसके बाद हम देखते हैं कि अल हरून चैब को नुकीले चाबुक से पीटने लगता है। इधर हम देखते हैं कि उस लड़की की मदद से डॉक्टर ने उस बूढ़े आदमी को पकड़ लिया था ताकि वो लोग चैब के दिल को उसके शरीर से बाहर
बाहर निकाल सके। अब यहाँ पर अल हरून चैब को मारने ही वाला था कि तभी बीनस अपने साथियों के साथ यहाँ आकर उन पर हमला कर देता है। अब यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में गोलीबारी होती है और चैब रिचर्ड के सर को कंप्यूटर से अलग कर देता है, जिसकी वजह से रिचर्ड मारा जाता है। अब क्योंकि चैब इतने ज्यादा टॉर्चर की वजह से काफी ज्यादा डिस्चार्ज हो गया था और उसके आसपास में इलेक्ट्रिक का कोई भी सोर्स नहीं था, तभी उसे एक बिजली का खंभा दिखाई देता है, जिसके बाद वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसके हाई वोल्टेज तारों को ऐसे ही पकड़ लेता है, जिससे उसकी बैटरी चार्ज तो हो जाती है लेकिन उसके शरीर में आग लग जाती है, जिसके बाद वो अल हरून के पास आता है और उसे मार मार कर अधमरा कर देता है। इसके बाद वो उसे एक पूल में फेंक देता है, जिसमें डूबने की वजह से अल हरून की मौत हो जाती है। हम यहाँ पर देखते हैं कि चैब जलने की वजह से अपने पूरे होश और हवास में नहीं था और वो रिया को ईव समझकर उसे जोर से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से रिया भी जल जाती है। इसके बाद ये लोग चैब को डॉक्टर माइल्स के पास लेकर चले जाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर सर्जरी करके उसका असली दिल उसके अंदर फिट कर देता है, जिससे उसकी जान तो बच जाती है लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह से जल जाता है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही पास वाली नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। इसके अलावा दोस्तों, ये साइड वाली एक्सप्लेनेशन भी जरूर देख लेना, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छी है।